हर हर महादेव दोस्तों, अल्प रसोईया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेले का भरवा बनाने जा रहे हैं। जो करेले का भरता होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है सबको, सभी को पसंद होता है। तो बच्चे लोग भी बहुत चाव से खाते हैं। तो इसे अच्छे से हमने कट करके सारा बीज को बाहर निकाल के इसे अच्छे से धो लिए हैं। और ये पानी हमने चढ़ा दिया है मिट्टी का पतीला में, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी, और पानी को गर्म हो गया है। अब इसे हमने करेले को धोकर रखा था, उसे डाल दिया। अब ये जो बीज था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। ये थोड़ा सीझ जाए, बॉयल हो जाएगा ना, तब इसे हम हटा लेंगे। अब ये देखिए, 10 मिनट तक हमने इसे मीडियम ताव पे रखा, आँच पे, तो ये सीझ गया है, इसे हमने हटा लिया। ये लहसुन हमने ले लिया है, और काली मिर्च, और सरसों, जो पीला सरसों होता है ना, वो हमने 1 चम्मच लिया, बड़ा चम्मच से। उसे हमने पीस कर रख लिया मसाले को। और ये हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है, 4-5 चम्मच लगभग तेल होगा। इसे हम, 4 प्याज था उसे लंबे लंबे काट के इसे हमने फ्राई कर लिया। इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया का पाउडर हमने डाल दिया है, और ये मसाला जो तैयार किया था वो हमने डाल दिया। अब इसे अच्छे से हम मीडियम ताव पे भून लेंगे, क्योंकि सरसों का मसाला बहुत ही आराम से भूनना चाहिए। ये जो बीज था ना, जो हमने उबाला था, ये हम जार में पीस लिए हैं। और ये मीडियम ताव पे मसाले को अच्छे से हमने भून लिया। उसके बाद ये जो बीज है हमने डाल दिया है, इसे भी हम अच्छे से 10 मिनट तक धीमी ताव पे हम भून लेंगे। और ये मसाला तैयार हो गया। उसके बाद हमने खटाई के रूप में एक अचार को मेस कर डाल दिया। आपके पास अगर आमचूर पाउडर है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, और चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं। तो हमने ये डाल दिया, थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है। देखिए, ये जो है ना करेला, जो हमने उबाल के रखा था, पानी इसका गल चुका है। इसे हम मसाले को अच्छे से भर देंगे, और इसीलिए इसको करेले का भरवा बोला जाता है। तो ये अच्छे से हम दबा दबा के भर लेंगे बारी बारी से। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम अगर डालें तो आपके पास जल्द से जल्द मेरा मैसेज पहुँचे। तो इस तरह से हमने तैयार कर लिया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अब इसे हम फ्राई पैन में इसे हम भून लेंगे। थोड़ी सी हमने तेल डाल दिया, और इसे धी एकदम मीडियम आंच पे हम इसे भूनेंगे, ताकि सब अच्छे से भून जाए। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत ही आसान है, कोई झमेला नहीं, कोई झंझट नहीं है। बस फटाफट बीज निकालिए, मसाले भूनिए, डालिए, इसको फ्राई पैन में भून लीजिए प्यार से। बहुत ही अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ इसे खाइए, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। जिसे करेला पसंद नहीं होता है ना, वो भी बड़ा ही प्यार से खाते हैं इसे। इसी तरह से हम उलट पुलट करके इसे बहुत अच्छा से भून लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपका कमेंट पढ़ के हमको बहुत अच्छा लगता है। करेले का भरवा अब तैयार है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।